अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं खोपरे की चटनी। और इसे आप वाइट खिचड़ी के साथ ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। इसे बनाने के लिए हमने जो अज़ा इस्तेमाल किए हैं वो आपके किचन में बआसानी मिल जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप कच्चा खोपरा, 1/2 कप पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 लहसुन के जवे, नमक हस्ब ज़ायका और 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया। नींबू ऑप्शनल है, जिसे अच्छा लगता है वो ऐड कर सकता है आखिर में। सारा मसाला हम एक साथ पीस लेंगे, नींबू को अलग रख देंगे, उसे आखिर में इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने खोपरा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा, ये सारे मसाले हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। और खोपरा भी ऐड कर दिया है इसमें और इसे बारीक पीस लें इस तरह से। इसे पीसते वक्त हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था। अब ये रेडी हो चुकी है। ये चटनी आप खिचड़ी के साथ ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। और जो नींबू है वो आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। हम अपने घर में पुदीने की चटनी इसी तरह बनाते हैं, आप भी इसे बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे बनी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ये फ्री है। और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।